देखिए, कल ही बोकारो में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और प्रधानमंत्री के आगमन के बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। कल जैसा कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्वेता सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को आने से यहाँ के लोग बहुत ही निराश हुए। आज उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आसू पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र महतो जी, हमारे साथ हमसे जानते हैं। कल प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, तमाम लोग सुनने के लिए गए थे, कांग्रेस की जो प्रत्याशी उन्होंने कहा कि निराशा हुई, जनता निराश है, पहली प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाहते हैं। बोकारो चुनावी सभा में आए थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री से पहले भी आशा नहीं था, चुनाव का पहले भी आशा झारखंड के लोगों को नहीं था, क्योंकि 5 साल सरकार चली और बार बार ये कहते रहे डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और उनके जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, कि डबल इंजन की सरकार। 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? माननीय प्रधानमंत्री के बहुत सारे मंत्री बोकारो में आए थे, इसके पहले भी आए थे, इस चुनाव के पूर्व भी आए थे, और वहाँ इस्पात मंत्री आए थे, उन्होंने एक बार विस्थापितों की चर्चा नहीं की। एक बार एक इस्पात मंत्री तोमर जी आए थे और उन्होंने चर्चा किया था कि 15 दिन में विस्थापितों को नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ गया तो ये विधायक से और प्रधानमंत्री से पूछेंगे। यहाँ की जनता जानती है कि 5 साल में डबल इंजन की सरकार निराशा ही नहीं, हताशा भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के बाद जो उत्साह होना चाहिए, जो आशा होना चाहिए, वो निराशा में बदल गया। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उप चुनाव की आगे चर्चा करें, कैसा महसूस होता है, जिसमें कि इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उप चुनाव लगभग जगह हार जाती है, पहली बार जीते हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं। देखिए, इसके पहले यही तो बोल रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी, अटल जी और बाकी कभी नेता उप चुनाव में नहीं जाते थे। उप चुनाव में कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं जाना सबसे बड़ा अच्छे संकेत है, लेकिन अभी जो है हर चुनाव में प्रधानमंत्री को जाना, ये देश के लिए कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार सभाएं होनी चाहिए, अपना भाषण होना चाहिए, चुनाव में भी गरिमा का ख्याल रखा जाता है। पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, खासकर मैं अटल जी के बारे में कहना चाहता हूँ, उन्होंने गरिमा को कहीं ना कहीं रखा। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, सभी लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, विश्व का सबसे प्रख्यात नेता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्व के अगर सबसे बड़े नेता हैं तो उनका भाषण भी उसी तरह का होना चाहिए। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी, उनका आचरण भी वही होना चाहिए। तमाम पार्टियां बोकारो विधानसभा में एक खास समुदाय जिसे मुस्लिम समाज कहा जाता है उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी रणनीति बनाकर मुस्लिम के नेता वाहिद खान को अपने पार्टी में ज्वाइन किया और तमाम मुसलमान नेता के संपर्क में आप हैं, लेकिन ओबीसी के आने के बाद आपका खेल कितना बिगड़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, यहाँ लीडर का चुनाव हो रहा है, केवल एमएलए का नहीं। बोकारो में आप एक बात बताइए, मैं अपनी बात अपने नहीं कहना चाहता हूँ कि जितने उम्मीदवार हैं कौन लीडर हैं। मैं 42 वर्षों से एमएलए कभी नहीं बना, लेकिन मैं एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में मैं स्थापित रहा, लोगों के बीच में दुख सुख में मैं रहा। और आज बोकारो में केवल एमएलए नहीं, लीडर कम एमएलए की चुनाव हो रहा है, और बोकारो में लीडर होगा तभी सही नेतृत्व देगा, बोकारो का उत्थान होगा, बोकारो का विकास होगा, बेरोजगार को रोजगार होगा। इसलिए लोगों में एक ही दर्द बनी है कि सबको देखा है, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार की पहचान एक ही है कि यहाँ के पूर्व विधायक जो 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, बड़े दबंग रहे, लेकिन उनके 5 वर्षों के कार्यकाल को लोग याद करता है कि वो क्या किए, कितना लूटपाट किए, कितना यहाँ के लोगों के लिए एक दुर्भाग्य का परिस्थिति रास्ता खोल दिए। दूसरे उम्मीदवार हैं, पैराशूट से नीचे आने वाले उम्मीदवार का है, भाजपा ने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया। ओबीसी की बात, मैं ओबीसी की बात जो कह रहा हूँ कि अभी जो मुस्लिम की बात हो रही है, ये हमारे क्षेत्र के विकास के साथ वो जुड़े हैं, बोकारो के उत्थान के साथ वो सारे जुड़े हैं,
केवल मुस्लिम नहीं, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं कि बोकारो रहेगा तभी हम सभी लोग जात और संप्रदाय की बात करेंगे। इसलिए हमारे मुस्लिम जितने भी हैं बोकारो के हित में, बोकारो की उन्नति के लिए, बोकारो को आगे बढ़ाने के लिए, उस दृष्टिकोण से वो अपना इस चुनाव में अपने मत को देंगे। सुना आपने, ये राजेंद्र महतो थे जिन्होंने साफ तौर पे कल जो प्रधानमंत्री आए थे उन पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, साफ तौर में कहा कि जितने लोग मोदी को सुनने गए थे वो निराशा भरी भरकर ही वहाँ से आए हैं, उन्हें बहुत निराशा हुई है कि बोकारो के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। जहाँ तक ओबीसी की बात है, ओबीसी के बात पर भी राजेंद्र महतो ने अपना स्टैंड को साफ कर दिया है, कहा कि जो लोग मुस्लिम लोग हैं उन्हें मालूम है कि इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधायक चुनने की बात नहीं हो रही है, इस बार लीडर चुनने की बात हो रही है, और मेरा राजनीतिक करियर 40 साल से है, मैं 40 साल से तमाम लोगों के साथ सुख दुख में हूँ। अब तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि मोदी के भाषण से कितना फर्क बोकारो विधानसभा में पड़ता है, ओबीसी के भाषण के बाद कितना मुस्लिम समाज का वोट बट पाता है, ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ GP1 सेक्टर 4।